हेलो गाइस, अभी टाइम में हो रहा है करीब 7:40। वेडनेसडे मॉर्निंग है और अभी मम्मी और पापा तो हॉस्पिटल में हैं। पापा रात को वहाँ भी सो गए थे। मैं अभी जस्ट जा रहा हूँ पापा को लेने के लिए, ब्रश और ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद अब मैं वहीं पे रुक जाऊँगा एक्चुअली। मम्मी का सर्जरी आज है, डॉक्टर ने अभी तक कोई ये नहीं किया, तो सर्जरी होना ही है, तो मैं जाता हूँ अभी। और मम्मी का तो कुछ खाने वाने का बना है, बट पापा अभी क्वार्टर आएंगे, उनको क्वार्टर में छोड़ दूंगा। वो खाना वाना खा के रुकेंगे। मैं और वाइफ जाएंगे फिर हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। तो अब हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मानस कुमार, और फिर से आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी बोरिंग रहता है हमेशा। ऐसा मैं पर्सनली सोचता हूँ, पता नहीं लोगों को कैसा लगता है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल बटन होगा उसको भी हिट कर लिए, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ सके। तो चलिए हम लोग आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी निकल रहा हूँ हॉस्पिटल की, और नाश्ता कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। आज ब्रेड था और रोटी था और चाय वगैरह था, तो खा के अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ से पापा को लेके आके छोड़ूंगा क्वार्टर में, फिर से मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। और वह इसके बाद वाइफ और मैं रहेंगे हॉस्पिटल में, और पापा रहेंगे घर में। देखते हैं क्या आज माहौल है, क्या सीन हो रहा है, तो मैं आपको वो सब आगे जैसे जैसे टाइम कन्वीनियंट रहेगा मैं उसके हिसाब से अपडेट करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। कर रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए, और बाहर धूप स्टार्ट हो गए एक्चुअली 7 बजे से। चलते हैं, फटाफट गाड़ी निकाल लेते हैं। धूप काफ़ी हो गया है 7:30 बजे से ही। अभी टाइम हो रहा करीब 1 बजने वाले हैं, और मैं मम्मी का एक्चुअली सर्जरी हो गया है। फाइनली मम्मी को ओटी से निकाले थे 11 बजे, और अभी थोड़ा सा वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो थोड़ा सा ठीक है, अभी बेटर है। तो अभी मैं और वाइफ जा रहे हैं अभी घर खाने के लिए, और खाना खा के फिर आएंगे। पापा भी आज अपन जा रहे हैं क्वार्टर की तरफ हॉस्पिटल से, और आगे के वीडियो में आपको मैं अपडेट करता हूँ आज क्या क्या हुआ एक्चुअली। तो घर जाऊँगा तो आप लोगों को एक्चुअली से बताऊँगा मैं क्या हम लोग आज क्या हुआ सुबह से लेकर। सर गाड़ी वहाँ पे है, और गाइस अभी अपन आ गए हैं घर। टाइम हो रहा करीब 1:15, और अभी जाके मैं फटाफट खाना खा लूँगा, पर नहा के खाना है एक्चुअली, और फिर हॉस्पिटल जाना है। और अभी अपना जो सीन है ना, मम्मी करीब 9 बजे गई ओटी में, उसके बाद 11:30 बजे करीब आ गई, और थोड़ा सा सेंस वगैरह हल्का हल्का अभी जस्ट आया है एक्चुअली। थायराइड वगैरह थोड़ा ज़्यादा था मम्मी का, तो इसलिए थायराइड का सेंस थोड़ा डिले आएगा बोले थे डॉक्टर। तो सेंस आएगा तो फिर लिक्विड वगैरह उसको देना है, सॉलिड फूड तो मना है अभी। तो पापा गए अभी हॉस्पिटल, मैं आया हूँ वाइफ के साथ। अभी हम लोग घर में आए हैं फटाफट, अभी नहा के खाना वाना क्या बनाया देखते हैं। काफ़ी भूख भी लगा है, तो खाना खा के फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल, और डिस्चार्ज मैं भी कल मॉर्निंग हो जाएगा। देखते हैं कितने बजे होगा, उसके हिसाब से फिर मैं ड्यूटी जा पाऊंगा लग रहा है। तो चलिए आगे देखता हूँ मैं भी क्या खाना बना पहले, उसके बाद नहा के फटाफट खा लूँगा, और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या बोला है अलाब, कहाँ कहाँ ए ए ए ए अंकल कहाँ बोलिए वो, देखते हैं क्या बना है आज, उसके हिसाब से खाएंगे। अरे ये सीम बगरा की सब्जी है, और ये क्या है, ओहो अंडा वगैरह कुछ है। तो अपन नहा लेते हैं फटाफट, और हैवी भूख है, टाइम हो रहा है 1:25, और मैं नहा के आप लोगों से मिलता हूँ। ये मशीन कब से चला था, और फाइनली अपन नहा लिया है, तो अभी खा लेंगे अपन जाकर। ए क्या हुआ तुझे, ए दे दे, हेलो ये है आलू सेमी बैंगन वगैरह कुछ मिलके मिक्स बेस्ट ऑफ सब्जी, और ये गोभी वगैरह कुछ है, गोभी आलू अंडा वगैरह है। तो फटाफट मैं इसको खा लेता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, और देखने में काफी ताबड़तोड़। एक सेकंड आना, मैं बात वाला करता हूँ, रुको मुझे बात करने दो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है करीब 2 बजने वाले हैं। हाँ मैं तुम्हें पकड़ाऊंगा, रुको ना रुको, आप तो पहले बैठ तो ये बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। हाँ अरे पकड़ाऊंगा, हाँ हाँ ये देखे देखते वो देखो, मुझे बात करने दो। हाँ
तो गाइस अभी करीब दो बज रहा है एक्चुअली, और अभी मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल, और वाइफ बना रही है मम्मी के लिए ब्लैक टी विदाउट शुगर और कुछ और क्या बना रही हो है? और बिस्किट वगैरह लेके जाऊंगा मैं शुगर फ्री वाला। अरे यार तू वीडियो तो बनाने दे मुझे, ये बेकार लड़का है, मुझे वीडियो बिल्कुल बनाने नहीं दे रहा है। सेल्फी स्टिक एक बार इसने देख लिया ऐसे लंबा करते हुए तो पूरा पीछे पड़ा है मेरा मतलब। देखिए 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 कैसे पीछे पड़ा है। तो अभी टाइम हो रहा है करीब दो बजने वाले हैं अभी, दो मतलब हाँ दो फाइनली दो बज गए एक्चुअली, और मैंने लंच कर लिया और आज बना था सीम आलू बैंगन और कुछ ऐसे टमाटर वगैरह का एक मिक्स वेज सब्जी बना था, उसके साथ साथ गोभी आलू और आपका अंडा वगैरह कुछ और एक अलग टाइप का बना था, और ताबड़ तो था काफ़ी भूख लगा था, मैंने बहुत खा लिया एक्चुअली। और अभी मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ क्योंकि मम्मी के लिए कुछ लेके जाना है लिक्विड फूड, जैसे कि ब्लैक टी विदाउट शुगर और कुछ शुगर फ्री बिस्कुट लेके जाना है। तो और देखता हूँ मम्मी का क्या कंडीशन है, तो मैं फिर आ जाऊँगा दोपहर को घर में, वहाँ पर अगर कुछ काम नहीं होगा तो। सो मैं आप लोगों से भी मिलता हूँ आगे, रेडी हो गया ना सब? ठीक है। और देखिए ये लड़का सेल्फी स्टिक पकड़ के घूम रहा है, ये देखिए देखिए सेल्फी स्टिक पागल कर दिया मुझे, वीडियो बनाने नहीं दे रहा। हॉस्पिटल वेटिंग रूम में हूँ और डॉक्टर आने वाले हैं 4:30 को राउंड पे, उसके बाद है मम्मी का डिस्चार्ज पेपर वर्क कर दिया और आज डॉक्टर ने बोला कि डिस्चार्ज कर दूंगा मम्मी को, तो देखते हैं डॉक्टर आने के बाद क्या बोलते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसके बाद मम्मी को डिस्चार्ज करेंगे। तो मैं आपको आपसे आगे फिर मिलता हूँ, और अभी मम्मी को लिक्विड फूड ही दिए तो खाने वाले अभी क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सब देखना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। और आगे का क्या प्लान है, कब आना है, क्या चेकअप के लिए क्या क्या दवाई लेना है, वो सब मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। और क्या सर्जरी क्यों हुआ वो भी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को, अगर आज टाइम मिलेगा तो अपडेट करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में आएगा, अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है करीब 5:30, और डॉक्टर मैं जा रहा हूँ क्वार्टर कुछ खाने का सामान लेना, जैसे कि दलिया और खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जैसे सर्जरी वगैरह हुआ है ना मम्मी का तो वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है, कुछ गड़बड़ होगा, तो इसीलिए पहले एक बार खिचड़ी या दलिया खाने के लिए बोल रहा है। तो मैं जा रहा हूँ घर, अभी दलिया बनाने के लिए बोल दिया हूँ वाइफ को, और घर से दलिया लेके आता हूँ मम्मी को खिलाते हैं, उसके बाद शायद डिस्चार्ज हो जाएगा। और अपन आ गए हैं घर, और ये देखिए साहब बिजी ऑन टीवी, 2.5 साल 2 साल यार देखते हैं। दलिया बन रहा है, दलिया बन रहा है, कितना टाइम लगेगा और हो गया, जल्दी बनाओ यार, ला के खिले के खिलाना है, फिर डिस्चार्ज करवाना भी है, कितना बजे करेंगे पता नहीं। फाइनली दलिया बन चुका है और अपन अभी इसको लेके जाएंगे और मम्मी को वहाँ पे खिलाएंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह देखते हैं क्या होता है, अगर वॉमिटिंग वगैरह होता है कि नहीं होता, डॉक्टर का मतलब एजम्पशन है कि वॉमिटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो भी वगैरह रहता है उन लोगों का, तो ये खिलाने के बाद शायद डिस्चार्ज होगा। तो मैं लोगों को आगे अपडेट करता हूँ और क्या क्या आज होने वाला है। बाप रे, नहीं 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 उल्टा पकड़ रहा है तू, उल्टा नहीं उल्टा, ये हिलो हिलो, चश्मा पहने का हिलो, बाप रे रे, कौन है ये? ओ हो, चलो। और फाइनली ये अपन टिफिन रेडी हो चुका है दलिया वाला, तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, और नैन्सी भी जा रही है मेरे साथ अभी, देखते हैं फटाफट जाके दलिया खिलाते हैं मम्मी को, डिस्चार्ज करके घर लेके आते हैं हॉस्पिटल, जाकर पक गया हूँ मैं, जब से कल से ना इतना चलना हुआ है ना, हालत खराब हो गया मतलब पूरा, चल के कमा लॉक करके आ जाओ नैन्सी, और अपन दोनों चल रहे हैं अभी हॉस्पिटल, तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और नैन्सी पहुंच गई है दलिया लेके हॉस्पिटल में, चलिए देखते हैं। और नैन्सी आई थी हॉस्पिटल दादी को लाने, बट खाली हाथ जाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि डिस्चार्ज जो था वो हो गया पोस्टपोन एक्चुअली, मतलब कल तक, ये कल सुबह होगा बोली डॉक्टर, अभी से लास्ट में आके अभी अपन 6:30 मतलब हाँ 6:30 को अपन लोग जा रहे हैं अभी घर,
और मम्मी के लिए खाना बनाना है और उसके बाद खाना लेके आएंगे। वाइफ ने बोला वाइफ बना रही होगी, तो देखता हूँ आप घर जाके क्या प्लान है, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। लाए थे लॉलीपॉप इस दुर्दांत के लिए। बाप रे, इधर 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 इधर। फाइनली मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग घर आ चुके हैं, और मैं जो बता रहा था ना कि आज बच्ची खाली हाथ वापस आ गई, एक्चुअली इट मीन्स क्या है कि हम लोगों को करीब 4 बजे के आसपास पता चला था कि मम्मी का जो डिस्चार्ज है ना हॉस्पिटल से, एक्सपेक्टेड कि आज होने हो सकता है शाम तक। तो मैं घर आया था दलिया लेने के लिए, तो बच्ची को बोला कि चलो चलते हैं और दादी को लेके आते हैं। बट अभी दोनों बाप बेटे तो गए थे, नैन्सी भी गई थी साथ में, वहां पे जाके अभी जस्ट पता चला कि जब बड़े डॉक्टर आए थे उन्होंने बोला कि आज नहीं होगा, आज और एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फाइनली कल मॉर्निंग एक पॉसिबल डिस्चार्ज करेंगे। तो अगर मैं सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट हूँ नहीं, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट मम्मी का हो रहा था डीएनसी सर्जरी, तो मैंने गूगल बाबा से इधर उधर देख के पता किया कि एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ये। और बेसिकली ये जो सर्जरी है ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है ना उसी रिलेटेड होता है ये। और इसमें एक्चुअली आपका क्या बेसिकली करते हैं कि आपके जो यूट्रस है ना वहीं से एक टिश्यू को ये लोग जो सर्जरी में रिमूव किया जाता है, उसको सैंपल के तौर पे उसको बाहर भेजा जाता है बायोप्सी वगैरह करने के लिए। और ये सर्जरी अगर क्यों करते हैं, इसका क्या जरूरत आ जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ाई किया था। अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है उसके रिलेटेड, उसमें अगर इरेगुलर को जाता है या फिर उसमें किसी तरह की परेशानी अगर आपको लगता है, या फिर अगर आपका किसी का अगर जैसे मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, तो उस केस में डीएनसी सर्जरी करते हैं। बस थोड़ा बहुत आइडिया था। तो फाइनली आज चुका जो है, आज मम्मी डिसाइड हो नहीं पाई, आज बच्ची का जो प्लान था वो फेल हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ और देखते हैं कल सुबह क्या है। अभी मुझे रात को 8 बजे मम्मी को खाना लेने जाना है और हाथ में दर्द हो रहा है ऐसे पकड़ पकड़ के लिए ट्राइपॉड और मोबाइल को। और प्लान है कि देखता हूँ मैं खाना वाना लेके मम्मी को अभी लेने जाऊंगा, एक्चुअली मतलब खाना पहुंचाने जाऊंगा मम्मी को। तो आज के ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खत्म करता हूँ, कल सुबह से फिर से ब्लॉग देखते हैं बनाते हैं मम्मी कब कितने में डिस्चार्ज होगी। और बिफोर अगर ड्यूटी टाइम के आसपास हो गए तो मुझे ड्यूटी भी जा सकता हूँ मैं, और थोड़ा सा डिले होगा तो देखते हैं कल एक दिन और फिर छुट्टी लेना पड़ेगा। तो होपिंग गाइस, आज होपिंग आपको ये जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियोज, और मेरे चैनल का वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बगल में जो बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिए ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ सके। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, और होपिंग सब कुछ बढ़िया आप लोग रहें, सुस्त रहें, और बाय बाय।